हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फैमिली लॉ की यूनिट 4। और यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा विल, वसीयत। कोई भी पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र जब करता है तो उसके टू मोड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बाय विल और दूसरा होता है बाय गिफ्ट। तो बाय गिफ्ट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दान द्वारा, और बाय विल आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति वसीयत के द्वारा भी अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। तो विल हैज़ बीन डिफाइंड एज ए इंस्ट्रूमेंट बाई विच अ पर्सन मेक डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। विल जो क्या है, एक माध्यम है किसी व्यक्ति को संपत्ति अंतरित करने का, और जो संपत्ति क्या होती है, उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। ऐसा जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को संपत्ति अंतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, और ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसको प्रभावी होगी, विच इट्स इन ओन नेचर, उसकी अपनी एक प्रकृति है, और एम्बुलेटरी एंड रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ। वो अब कंटिन्यूसली चलते रहता है, या तो उसको अपनी लाइफ में कभी भी रिवोकेबल कर सकता है, उसको वापस कर सकता है, उसका प्रतिसंहरण कर सकता है, वो जब चाहे उसका रिवोकेशन कर सकता है अपनी लाइफ में। अकॉर्डिंग टू तैयब जी, विल आ कन्फर्म मेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन अ स्पेसिफिक थिंग्स इन अ प्रॉफिट और एडवांटेजेस इन अ ग्रेजुटी टू टेक इफेक्ट्स ऑन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। संपत्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर प्रभाव में आने वाली किसी विशेष वस्तु, मुनाफे, लाभ या ग्रेजुटी, इसकी वृत्ति कहते हैं, में संपत्ति के अधिकार का दान वसीयत कहलाता है। आपने कोई विशेष स्पेसिफिक उस पर्सन को कोई प्रॉफिट दे दिया, कोई लाभ दे दिया, कोई ग्रेजुटी दे दी, और ये चीज़ ट्रांसफ़र कर दी, वो उस पर्सन को गिफ्ट मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग, विल इज़ द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू हिज विच ही डिज़ायर्ड टू बी कैरीड इन टू इफेक्ट द डेथ। दान वसीयत क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत जो है किसी व्यक्ति द्वारा एक कानूनी घोषणा है, विधिक घोषणा है, लीगल डिक्लेरेशन है, जिससे वह मर जाने के बाद लागू होता है। ठीक है, वसीयत क्या है, डिक्लेरेशन है, और उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी डिजायर के अनुसार, और उसकी डेथ के बाद वो इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। इसी डिफिनेशन से इसके टू असेंशियल एलिमेंट्स बन सकते हैं। अब फ्रॉम द डिफिनेशन वी गेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हमें दो एलिमेंट मिलेंगे। फर्स्टली तो है, विल इज अ कन्फर्मेंट ऑफ राइट टू वन प्रॉपर्टी टू अनदर, कि इस विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है, एक अधिकार मिलता है। और दूसरा क्या है, दिस कन्फर्मेंट ऑफ राइट इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर डेथ टू द टेस्टेटर। और ये जो हमारा कन्फर्मिंग राइट है, जो हमें अधिकार मिला है, वो कब मिलता है, उस व्यक्ति की, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होगा। वसीयत जो है वो कैसे हो सकती है, अच्छा एक चीज़ और जो डॉक्यूमेंट्स होता है वसीयत का, वो क्या कहलाता है, वसीयतनामा कहलाता है, जिसके माध्यम से वसीयत की जाती है। तो वसीयत कैसे हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और वसीयत रिटेन भी हो सकती है। A will may be made either orally or in the written. It is not necessary that two testamentary disposition should be in written. ज़रूरी नहीं है कि उसका disposition या transfer property written में ही की जाए, oral में भी हो सकती है। इसमें मजीहर हुसैन versus बोधा भी के केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रीवी काउंसिल का केसेस था, इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा अगर किसी पर्सन ने अपनी डेथ से कुछ समय पहले भी अगर कोई एक खाली लेटर्स पे, कागज़ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ का सेटलमेंट किया है या उसके निर्देश दिए हैं करने के, तब ऐसी कंडीशंस में वो विल फॉर्मेट बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर रिटिन में हो या उस पर साइन हो, हस्ताक्षर हो, या उसके विटनेस कोई सामने हो या उसको रजिस्टर्ड किया जाए, ये होना ज़रूरी नहीं है। रिक्वेस्ट्स ऑफ अ वैलिड विल, वैलिड विल की औपचारिकता है, विधिक
जिसको औपचारिकता क्या है, तो द एसेंशियल रिक्वेस्ट्स ऑफ द वैलिड विल अंडर द मोमन लॉ आर द फॉलोइंग। फर्स्टली क्या है, द टेस्टेटर मस्ट बी कंपिटेंट टू मेक विल। वसीयतकर्ता, टेस्टेटर वसीयतकर्ता का आया था, को वसीयत करने के लिए सक्षम होना चाहिए उसको, अगर कैपेबल है तभी विल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। द लिगेटी मस्ट बी कंपिटेंट टू टेक द लिगेसी और बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट भी कहते हैं वसीयत को, ठीक है। जो लिगेटी है उसको भी वसीयत करने के लिए सक्षम होना चाहिए, वसीयतदार को वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ द बिक्वेस्ट मस्ट बी वैलिड, और जो वसीयत द्वारा दान किया जा रहा है उसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए वो भी मान्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। द बिक्वेस्ट मस्ट बी विद इन द लिमिट्स इम्पोज इन द टेस्टामेंटरी पावर ऑफ द मुस्लिम। वसीयत द्वारा जो दान किया जा रहा है या वसीयत की जा रही है, जो मुसलमानों की वसीयत करने की जो शक्ति है उसकी सीमा है, उसके भीतर होना चाहिए, उसके लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फर्स्ट क्या आता है हमारा, वही टेस्टेटर एंड हिज कॉम्पिटेंसी, वसीयतकर्ता और उसकी सक्षमता। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या कहता है, एवरी अडल्ट मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड कैन मेक विल। कोई भी व्यक्ति है जो वयस्क है और साउंड माइंड है वो विल कर सकता है। दस अ माइनर एंड अ लुनेटिक आर नॉट एग्जीक्यूट द विल। अगर कोई माइनर है, लुनेटिक है, पागल है तो वो विल नहीं कर सकता। इन केस अगर माइनर है और वो विल करता है माइनॉरिटीज की कंडीशंस में, तब ऐसी कंडीशन में ऐसी विल तो वाइड होगी। बट अगर इन केस अगर कोई पर्सन ऐसा है विल करता है माइनॉरिटी कंडीशंस में और वो मेजर होने के बाद में उसका रेटिफिकेशन कर देता है मेजॉरिटी की कंडीशंस में, तब ऐसी विल वैलिड मान ली जाएगी, बट अदरवाइज माइनर की विल वैलिड नहीं होती। अब्दुल मन्नान खान वर्सेस मुर्तजा खान, इसमें हाईकोर्ट ने कहा था मोमनन गिविन अ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर मेक अ वैलिड विल टू डिस्पोज ऑफ ए प्रॉपर्टी। कोई मुस्लिम्स है और वो साउंड माइंड है, वो माइनर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में वो वैलिड विल कर सकता है, सो फार एज अ डीड ऑफ द विल इज कंसर्न। और जो डीड है वो कंसर्न जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग होगी, बट नो फॉर्मेलिटी और द पर्टिकुलर फॉर्म इज द रिक्वायर इन द लॉ ऑफ द पर्पज ऑफ द क्रिएटिंग द विल। करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, तरीका नहीं है, बस आपने एक फॉर्मेलिटी कर दी, उसके लिए कंसर्न है उसके हिसाब से कर दी, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है उसके लिए। द लिगेसी एंड द कम्पिटेंसी, उसके सिद्धांत क्या कहता है, कैपेबल ऑफ द होल्डिंग द प्रॉपर्टी। जो लिगेसी होगा, लिगेटी होगा या वसीयतदार जो होगा वो भी सक्षम होना चाहिए करने के लिए अंडर द विल। दस द सेक्स एज क्रीड और रिलीजन्स इज नो बार इन द टेकिंग द बिगेस्ट। वसीयत करने के लिए कोई भी धर्म, लिंग, आयु, निष्ठा या धर्म का कोई इसमें बार नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसी भी पर्सन, किसी भी धर्म का पर्सन है, किसी में निष्ठा रखने वाला है, किसी भी एज का है या किसी भी जेंडर का है, वो पर्सन क्या कर सकता है, इसमें गिफ्ट हो सकती है, कैपेबल है वो पर्सन करने के लिए। नो वन कैन बी मेड द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, अपने फेवर में, अपने अगेंस्ट में या अपने फेवर में कोई पर्सन शेयर नहीं कर सकता। देर इज द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट बिक्वेस कैन ओनली द कम्पिटेंट विद द एक्सप्रेस द इम्प्लाइड असेंट टू द लिगेटी आफ्टर द डेथ। लिगेटी को आफ्टर द डेथ, लिगेटर की डेथ के बाद में लिगेटी को अपनी कंसेंट देना जरूरी होता है। सब्जेक्ट ऑफ विल एंड इट्स वैलिडिटी, सब्जेक्ट क्या होगा उसका विल का, तो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है विल के लिए, द प्रॉपर्टी मस्ट बी कैपेबल ऑफ द बींग द ट्रांसफर। प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कि जिस प्रॉपर्टीज़ को आप गिफ्ट कर रहे हो, जिस संपत्ति का, वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, अंतरणीय होना चाहिए संपत्ति। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंट एट द टाइमिंग ऑफ द टेस्टेटर। जिस समय प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा रहा है, विल किया जा रहा है, वो समय कैसी होना चाहिए, एग्जिस्ट करती हो, यानी कि उस समय प्रेजेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी। इट इज़ नॉट नेसेसरी द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइमिंग ऑफ द टेस्टेटर डेथ। प्रॉपर्टी जिस समय टेस्टेटर की डेथ हो रही है उस समय प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइमिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द विल। जिस समय विल की जा रही है उस समय इसका एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, बट जिस समय इसका करना है, जिस समय उसकी डेथ हो रही है,
टेस्टेटर मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करता है। जो टेस्टेटर है जिस प्रॉपर्टीज को वो विल कर रहा है वो उसका कैसा होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, और वो कैसा हो, ठीक है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। टेस्टामेंट्री पावर्स एंड लिमिट्स, वसीयत की शक्ति और सीमाएं। वसीयत की सीमा और शक्ति दो प्रकार की, टू टाइप्स तक लिमिट करता है। कोई भी पर्सन है उसकी जो विल करने की पावर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, और टू टाइटल्स के अकॉर्डिंग्स है। फर्स्टली क्या है हमारा टू फोल्ड इक्विस्टेशन, फर्स्टली लिमिटेशन एज ए रिगार्ड अ पर्सन। वसीयत दार व्यक्तियों के संबंध में सीमा क्या है, कोई भी पर्सन है जब विल कर रहा है अपने सक्सीजर्स के, अपने हीयर्स के फेवर में प्रॉपर्टी को विल नहीं कर सकता। और अगर ऐसा पर्सन किसी अपने हीयर्स के फेवर में, अपने उत्तराधिकारी के फेवर में अगर कोई वसीयत करता है तब दूसरे उत्तराधिकारियों को उसे सहमति लेनी, ठीक है। वैसे जनरल रूल तो यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम्स अपने सक्सीजर्स के फेवर में कोई भी विल नहीं कर सकता। इसमें केस है गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन। इट वॉज हेल्ड दिस केस द बिगेस्ट इन द फेवर ऑफ एन हेयर्स इज नॉट वैलिड। यहाँ पर लिगेटर ने अपने हेयर्स के, अपने सक्सीजर के फेवर में एक विल की थी, तो कोर्ट ने कहा ये लीगल वैलिड नहीं है विल। कब तक नहीं है, अनलेस द अदर हेयर्स कंसर्न टू द बिगेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ, दूसरे जो हेयर्स हैं वो अगर अपनी सहमति नहीं दे देते इसमें तब तक वो वैलिड नहीं होगी। थर्ड वन है इसमें, सेकंड लिमिटेशन एज ए रिगार्ड्स द प्रॉपर्टी। संपत्ति के संबंध में सीमा क्या है, द जनरल रूल विद द रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट मे बी डिस्पोज ऑफ बाय विल इज दैट नो मुस्लिम कैन मेक बिगेस्ट मोर देन द 1/3 ऑन हिज नेट एसेट आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फ्यूनरल चार्ज एंड द डेप्ट। कफन दफन और उसके ऊपर जो डेप्ट है वो देने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, कोई भी मुस्लिम उस टोटल प्रॉपर्टीज का 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी मुस्लिम्स है वो क्या है, अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 ही विल में दे सकता है और उसके ज़्यादा नहीं दे सकता। बट इसका एक्सेप्शन है जनरल रूल, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, द फॉलोइंग आर टू एक्सेप्शन ऑफ द एवर मेंटेन द जनरल रूल। अंडर द हनफी लॉ बिगेस्ट और मोर देन 1/3 ऑफ द नेट एसेट मे बी वैलिड। अगर 1/3 से ज़्यादा कोई पर्सन क्या कहते हैं विल करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टीज़ का, तब ऐसी कंडीशन वो वैलिड है अगर इफ़ द हेयर्स हुज राइट्स आर इन्फ्रिंजमेंट देयर बाई गिव देयर कंसेंट टू द बिगेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। अगर ऐसी कंडीशन में टेस्टेटर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हैं जिनका अधिकार प्रभावित हो रहा है वो अगर सहमति दे देते हैं तब ऐसी कंडीशन में 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विल में दी जा सकती है। अंडर शेयर लॉ कंसेंट वैलिडेट्स विल द विल वेदर गिविन बिफोर और आफ्टर द टेस्टेटर डेथ। यहाँ पर शेयर लॉ के अकॉर्डिंग्स पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं उत्तराधिकारी। अगर उत्तराधिकारियों ने मृत्यु से पहले, वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले या उसके बाद भी, दोनों कंडीशन है कि वो सहमति दे दी है, तब ऐसी कंडीशन में विल 1/3 से ज़्यादा हो सकती है। द एवर रूल ऑफ द बिगेस्ट टेबल 1/3 विल नॉट बी अप्लाइड टू अ केस वेयर द टेस्टेटर हैज़ नो हेयर। जहाँ पर टेस्टेटर का कोई भी अपना हेयर्स नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। और द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट ऑफ एन हेयरलेस पर्सन विल नॉट इन द एनी वे रिस्ट्रिक्शन द राइट टू पर्सन द मेक द डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी आर द लाइक एन गवर्नमेंट इज नो हेयर्स एंड। अगर जहाँ पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तब ऐसी कंडीशंस में उस प्रॉपर्टीज़ को लेने का राइट गवर्नमेंट का, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है किसी पर्सन का, और ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को अपने फेवर में ले सकती है, उसको अक्वायर कर सकती है उस प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है रिवोकेशन। हमारा रिवोकेशन कब हो सकता है, कोई भी पर्सन ने कोई भी विल की है तो उसको वापस कब ले सकता है, रिवोकेशन कर सकता, रिवोक कब कर सकता है उसका, प्रतिसंहरण कब कर सकता है, फॉलोइंग कंडीशंस है। द लीगेसी मे रिवोक हिज विल बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मैनर।
वारसकर्ता जो है किसी भी विल का अभिव्यक्त और व्यवस्थित रूप से विल को रिवोक कर सकता है, क्योंकि विल कब होती प्रभावी, उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, और ऐसी कंडीशन में अब उसकी डेथ से पहले पहले वो कभी भी उसको कर सकता है। इफ अ पर्सन टू, सेकंड क्या है, इफ अ पर्सन टू हुम लेगेसी इज मेड बाय डाइज बिफोर द टेस्टेटर्स हिमसेल्फ ही विल वसीयत बी इन द रिवोक। अगर लेगेसी की, लिगेटर से पहले, वसीयतदार की, वसीयतकर्ता से पहले अगर मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी कंडीशंस में विल क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। जो दो कंडीशंस हैं, बिकेज टू द अनबॉर्न चाइल्ड, क्या कोई भी विल अनबॉर्न चाइल्ड को किया सकती है, अजन्मे व्यक्ति को क्या वसीयत की जा सकती है। अ चाइल्ड हु इज बॉर्न विद इन सिक्स मंथ ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग द विल इज ट्रीटेड अ लिगेटी इन द एग्जिस्टेंस एंड कॉम्पिटेंट टू टेक द बिकेज। विल करने के विद इन सिक्स मंथ में अगर कोई बेबी बॉर्न हो जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में वो कंपिटेंट लीगेसी माना जाता है और विल वैलिड मानी जाएगी। बट इन श्योर लॉ अ बिगेज टू चाइल्ड इन द वॉर्म इज वैलिड, अगर मदर के वॉर्म में आ गया है तो वैलिड है। इफ इट इज बॉर्न इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द गेस्टेशन, दैट इज द 10 लूनर मंथ भी कह सकते हो इसको, या लंबे समय तक भी कह सकते हो। वैसे श्योर लॉ के अकॉर्डिंग एक ये भी है कि कंडीशंस इंडिया में एप्लीकेबल, कि अगर कोई भी शेयर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन है और वो विल जिस डेट को की जा रही उस डेट का वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं है, बट लिगेटर की डेथ से पहले पहले अगर वो एग्जिस्ट हो जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में विल क्या हो जाएगी, वैलिड विल मान ली जाती है। तो इसका ये एक्सेप्शंस था, इसमें क्या कहते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स जोड़ देता है इसके साथ में, तो आप इसको तैयार करिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।